हाँ जी तो आज मैं आप लोगों के साथ ग्लोइंग बेस फॉर डेली बेसिस के लिए यूज़ करना सिखाऊंगी आप लोग कैसे बना सकते हैं उसको और कैसे यूज़ कर सकते हैं स्पेशल इसकी बात ये है इस बेस की कि ये आप एज अ क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा आपकी स्किन पे आप सुबह से लेकर चाहे रात हो जाए आप इसको ईजिली अपने फेस पर लगा सकते हैं इससे आपकी इसमें जो उनसे नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हमने यूज़ किए हैं उससे आपकी स्किन जो है वो डैमेज नहीं होगी और आपकी स्किन पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इस बेस का मोस्टली जब हम बेसिस वगैरह इस्तेमाल करते हैं या बीबी क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं उससे हमारी स्किन की जो उनसे टेक्स्चर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है ड्राई हो जाता है हमारी स्किन जो है, वो रफ होना शुरू हो जाती है आज जो मैं आप लोगों को बेस सिखाना बताऊंगी और ये नेचुरल बेस है आपके फेस पे कुछ लगा भी होगा तो फिर भी आपका फेस जो है न, वो ऐसे लगेगा कि कुछ भी नहीं यूज़ किया हुआ अवैध अभी मैंने इस टाइम तो कोई बेस वगैरह कोई क्रीम नहीं उसकी अभी मैं बनाऊँगी और फिर आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी डिफ्रेंस बिल्कुल सेम यही होगा कि ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी आपने अपनी स्किन पे बहुत कोई हैवी बेस वगैरह लगाई हुई है बिल्कुल लाइट सी कवरेज होगी जो बिल्कुल नेचुरल लगेगी जो आपके सारे फ्लॉज वगैरह को भी हाइड कर देगी और कोई आपका दाग धब्बा नहीं नज़र आएगा और लगेगी भी नेचुरल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप सब ठीक होंगे खैरियत से होंगे इतनी खुशी होती है आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के इतनी आप लोग रिस्पेक्ट देते हैं इतना अच्छी मुझे अप्रिसिएशन देते हैं लव देते हैं तो इसका मैं आप लोगों के लिए तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ और जो भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके लाजमी मुझसे पूछ लिया करें कोई आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स की नहीं समझ आ रही या आप लोगों को मेथड नहीं समझ आ रहा तो वो मैं आपको कमेंट्स में लाजमी बताऊंगी तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी ग्लोइंग बेस बनाना जो कि बिल्कुल नेचुरल है नेचुरल होममेड बेस हम बनाएंगे उसके साथ साथ आप लोगों ने पहले वीडियो को लाइक लाजमी करना है लाइक अब भी लाइक का बटन दबा दें एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके होम जो हम ग्लोइंग बेस बना रहे हैं आज अपनी डेली बेसिस के लिए उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रीडियंट्स चाहिए एक तो हमें मॉइस्चराइज़र्स वगैरह चाहिए मॉइस्चराइज़र्स में आप लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक बोल लेना है एक ब्रश लेना है ब्रश आप लोगों का आम, स्किन पॉलिश लगाने वाला ब्रश नहीं होना चाहिए ये वाला ये जो फाउंडेशन ब्रश होता है ये वाला ब्रश आप लोगों का होना चाहिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे साफ मैं आपको क्लियरली बताऊंगी आपने वही वही अपने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं एज़ कम्पेयर टू मैं आप लोगों को स्किन टाइप बता दूंगी उसकी जगह आप एज़ अकॉर्डिंग टू योर स्किन क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी तो यहाँ पर जी हमने सबसे पहले मोइस्चराइज़र यूज़ करना है अगर तो आप डेली बेसिस पे कोई अपनी स्किन पर मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप तो आप अपना स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली जो भी मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं वो आप यूज़ करेंगे वो हम ऐड करेंगे और अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है अच्छा मेरी एक क्लाइंट है वो मुझे स्पेशली कहती हैं कि सेंसिटिव स्किन पर रेमेडी बताएं सेंसिटिव स्किन पे एक टॉपिक पे आप मुझे बताएं तो सेंसिटिव स्किन का मैं ऑल ओवर द तमाम वीडियोस में साथ साथ गाइडलाइंस और टिप्स देती रहती हूं तो यहां पे मैं सेंसिटिव वालों के लिए कह रही हूं या जिन लोगों को सूट नहीं करती है फाउंडेशन वगैरह कुछ भी और या फिर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं आप नहीं हैं आपके पास तो आप उसकी जगह मॉइस्चराइजर की जगह एलोवेरा जल यूज़ कर सकते हैं सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पे हम एलोवेरा जल भी यूज़ करेंगे क्योंकि मोर हाइड्रेटेड बनानी है जो जो हम पूरा दिन अपने फेस पे लगाएं तो उसका कोई फ़ायदा भी हो तो यहाँ पे अगर आपके पास फाउंड मॉइस्चराइज़र नहीं है तो आप जस्ट एलोवेरा जल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं सिर्फ टू थ्री डेज़ की बना रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर फोर टू फाइव ड्रॉप्स ये वाइट बॉल है तो आप लोगों को नजर नहीं आएगा सही तरह इस तरह से मैंने फोर टू फाइव ड्रॉप्स जो उनसे हैं वो मॉइस्चराइज़र के ऐड कर लिए हैं इसमें <coughs> अब हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, जिन लोगों के पास मॉइस्चराइजर नहीं है या आप को सेंसिटिव स्किन है या आप नहीं यूज़ करते हैं तो आप जस्ट एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं फिर आपने क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है जितना मैंने मॉइस्चराइज़र लिया है इसकी डबल क्वांटिटी आपने एलोवेरा जेल की लेनी है यहाँ पे मैं वो ही उतने ही ड्रॉप्स ले रही हूँ फ़ोर टू फाइव ड्रॉप्स जो उनसे एलोवेरा जेल के यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ये देखिए मैंने एलोवेरा जेल एंड मॉइस्चराइज़र दोनों चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी हैं अब हम इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे अच्छा यहाँ पे हमने ज़रा ना ग्लोइंग सी और बड़ी हाइड्रेटेड सी फाउंडेशन बेस जो सी है वो बनानी है तो उसके लिए हमें एक और चीज़ चाहिए होगी वो है जी यहाँ पे आप लोगों को लिक्विड हाइलाइटर्स वगैरह मिलते हैं मार्केट में तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं इसका अल्टरनेटिव भी मैं बताऊँगी अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो यहाँ पर अब हम डालेंगे लिक्विड हाइलाइटर यहाँ पे आपने एक होते हैं सिल्वर होते हैं या फिर रोज़ गोल्ड कलर होते हैं ये थोड़ा सा पिंकिश रोज गोल्ड कलर है तो यहाँ पे जोन सा भी आपके पास शेड है हाइलाइटर लिक्विड हाइलाइटर का वो आपने यहाँ पे यूज कहाँ पे मैं हाइलाइटर ऐड कर रही हूँ अब इसके भी हम एक दो तीन चार पाँच छ सात ड्रॉप्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं या एज ए ड्रॉपर फॉर्म में भी आप लोगों को मिलता है ये देखें हाँ. हम ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें मॉइस्चराइज़र एलोवेरा जेल एंड हाइलाइटर लिक्विड हाइलाइटर ऐड कर दिया अगर आपके पास लिक्विड हाइलाइटर नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास है जी स्वीट uh, टच का ये है पाउडर फॉर्म में हाइलाइटर अगर आपके पास लिक्विड हाइलाइटर नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसको यूज़ कैसे करना है आपने इसी तरह से ये रहा हाइलाइटर और आपने इस तरह से स्क्रैच करना है थोड़ा सा ठीक है इस तरीके से ये पाउडर इसका निकल आएगा वही पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे ये जस्ट मैं आपको करके दिखा रही हूँ मैंने डाला नहीं है जस्ट थोड़ा सा ये डला है क्योंकि मैंने लिक्विड हाइलाइटर ऐड कर दिया हुआ है तो ये जिनके पास ये वाला इस फॉर्म में हाइलाइटर है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं उसके साथ एक और इंग्रेडिएंट यूज़ करना होगा वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ अगर आप पाउडर बेस्ड जो हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं इसमें उसके बाद अगर जब हम नेचुरल बना रहे हैं जो हमारी स्किन पे भी इफ़ेक्ट्स दे अच्छे मतलब के साइड इफ़ेक्ट ना दे उसके बेनिफिट्स दे जो वो बेनिफिट्स हम इसमें ऐड करेंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे टी ट्री ऑयल टी ट्री ऑयल हमारी स्किन पे एक्नी नहीं होने देता हमारी स्किन की टोन को बेहतर से बेहतर करता है जब हम इस फॉम बेस में ये टी ट्री ऑयल ऐड करेंगे तो इस जब हम सारा दिन अपने फेस पे ये अप्लाई करेंगे तो इसके ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स हमारी स्किन पे जाएंगे और वो हमारी स्किन पे पैनिट्रेट होगा हमारी स्किन अच्छी होगी और जिन लोगों के बेस वगैरह से पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं तो उनके इससे पिंपल्स वगैरह भी नहीं होंगे अगर आप इस कस्टमाइज बेस अपनी बना के यूज़ करते हैं आपकी कोई यखनी वगैरह कुछ नहीं होगा बस थोड़ी सी नीटनेस का आपने ख्याल रखना है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि आप किस तरह से अपनी फाउंडेशन लगाएं जो आपकी स्किन पे पिंपल्स वगैरह ना होने दें आपके पोर्स ना ओपन करें तो यहाँ पे हम टी ट्री ऑयल के ऐड कर रहे हैं एक आपने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ऐड करना है टी ट्री ऑयल का और उसके बाद हमने इसको इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्सअप कर देना है इस तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स करी मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है कि आपके तमाम इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ ना मिक्स हो जाए अच्छी तरह से तो ये हमारी मिक्स हो गया ठीक है उसके बाद हम इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे अगर तो आपके पास कोई भी फाउंडेशन है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास ये इस तरह की क्रालॉन की बेसिस वगैरह हैं इस तरह से बेस है तो इसको भी आप स्क्रैच करके यूज़ कर सकते हैं इसमें अदरवाइज़ आप ये फाउंडेशन ले सकते हैं जो आपके पास आप डेली बेस अपनी जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं जो भी फाउंडेशन आप अप्लाई कर अच्छा जिन लोगों की ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल या ड्राई स्किन होती है या फाउंडेशन जो की है ना वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी हर स्किन टाइप पे ईज़िली सेटल हो जाती हैं जबकि ये जो उनकी बेसिस होती हैं ये ड्राई स्किन पे तो बहुत अच्छी तरह से सेटल होती हैं लेकिन जब आप ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन पे लगाते हैं तो ये आपको सेट करना पड़ती है क्योंकि ये आपकी स्किन पे ना ऑयल एक्सक्रीट करती है आपका ऑयल आ जाता है फेस पे तो आपको उसको, उसको कंट्रोल करना पड़ता है जा, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप फाउंडेशन इसमें ऐड करें हाँ जी तो यहाँ पे मैं मुसरत मिसबा की फ़ाउंडेशन ऐड कर रही हूँ यहाँ पे आप मेबलिन की भी कर सकते हैं मेबलिन की भी बहुत अच्छी है मैं मोस्टली अपनी जोन सी कस्टमाइज ये जो सी मैं क्रीम बनाती हूँ बेस बनाती हूँ इसमें मोस्टली मैं मेबलिन ही यूज़ करती हूँ मैबलिन में आप फिट फिटमी भी ले सकते हैं आप उसकी हाई कवरेज भी ले सकते हैं तो यहाँ पे मैंने जस्ट थोड़ी सी लेनी है बहुत ज़्यादा नहीं लेनी क्योंकि हम इसको नेचुरल बना रहे हैं जो हमने डेली बेसिस पर यूज़ करनी है सिर्फ हमें हल्का सा टेंटेड इफ़ेक्ट चाहिए जो हमारी स्किन के फ्लॉज वगैरह को या चीज़ों को हाइड कर सके तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इतनी सी बेस ली है ये ठीक है इसका थोड़ा सा अब हम और ले लेंगे क्योंकि मैं ड्रॉपर से नहीं यूज़ करती आप यहाँ पे अगर आप एज़ अ ड्रॉपर यूज़ कर रहे हैं इसका ये वाला ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे थ्री टू तो फोर ड्रॉप्स लेने हैं ये वाले ठीक है पंप, थ्री टू तो फोर पंप आपने यूज़ करने हैं और इनको हमने अब अच्छी तरह से तमाम इन्ग्रीडियंट्स को मिक्सअप कर देना है बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है अगर तो आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग और इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरे पास मेबलिन का प्राइमर है बीबी -बी स्किन इंस्टेंट पोर प्राइमर है ये आपके पोर्स को भी क्लोज़ करता है और आपकी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है लेकिन एज uh, अ जब आपने डेली बेसिस पे यूज़ करनी होती है क्रीम बेस वगैरह तो उसके लिए आपने प्राइमर डेली नहीं यूज़ करना होता तो ये उन लोगों के लिए जो आउटसाइड जॉब्स वगैरह करती हैं उन्होंने बाहर जाना है और अपनी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देना है आपने अपनी बेस को तो आप प्राइमर इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पर मैं डेली बेसिस पे जो हम घर में अपनी स्किन को थोड़ा सा पैंपर रखने के लिए बनाते हैं मैं वो बना रही हूँ इसमें मैं प्राइमर नहीं यूज़ कर रही लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं जिन लोगों की ये जो फ़ाउंडेशन बेस हमने बना लिया ना ये ऑल स्किन टाइप के लिए है लेकिन जिन लोगों की एक्स्ट्रा ऑयली अगर स्किन है तो एक्स्ट्रा ऑयली स्किन के लिए आप यहाँ पर पैन केक जो उनसे होते हैं ना ये पेन केक इसको भी स्क्रैच करके इसका पाउडर इसमें ऐड करें और वो भी आप इसमें ऐड कर लें ताकि आपकी जो बेस है वो थोड़ी सी और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी बने और आपकी जितने भी जिन लोगों के बहुत ज़्यादा ऑयल एक्सक्रीट होता है टी जोन सी जोन एरिया पे तो वो आपका नहीं एक्सक्रीट होगा जब आप फेस पाउडर वगैरह जो पैन केक जैसे कहते हैं वो ऐड करेंगे तो हाँ जी तो ये देखें हमारी बेस रेडी हो गई है और इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट होगा हमारा जब हम अपनी स्किन पे लगाएंगे और आप बिल्कुल भूल जाएंगे बाहर से जो हम बीबी -बी क्रीम्स महंगी महंगी लेते हैं वो अपने फेस पे डेली बेसिस पे लगाने के लिए आप घर बैठे ईज़िली ये क्रीम ये बेस जो कस्टमाइज बेस है वो अपनी बना सकते हैं हाँ जी तो कस्टमाइज जो हमारी बेस है हमारी जो क्रीम है वो रेडी हो गई है अब हमने अप्लाई कैसे करना है ये आप ये देखें इसका टोन चेक करें बिल्कुल जैसे आप मार्केट से क्रीम्स लेते हैं बीबी -बी क्रीम्स लेते हैं या बेसिस वगैरह लेते हैं बिल्कुल वही टोन है आपकी ये देखें कितनी अच्छा टोन बन गया इसका हालांकि हमने फाउंडेशन के जिनसे जस्ट थ्री ड्रॉप्स मैंने लिटल लिटल थ्री डॉप ड्रॉप्स डाले होंगे और इसकी कंसिस्टेंसी देखें और इसकी आप टोन चेक करें बेस की कितनी अच्छी इसकी टोन बन गई है बाकी वार्म टोन अंडर टोन जितनी भी है या कूल अंडर टोन वो आप अपनी अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप अपनी स्किन की टोन से मैच करके यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली जौन सी भी आप फाउंडेशन यूज़ करते हैं ऑब्वियसली अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं तो आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली अपनी कस्टमाइज बेस बना सकते हैं ये देखें और ये इस आपने अप्लाई कैसे करनी है आप ब्रश की मदद से भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं ठीक है ये आपको मैं फ़ेस पे भी लगा के दिखा देती हूँ ये देखें ये मैं फ़ेस पे लगा रही हूँ और इतना अच्छा इसका इफ़ेक्ट होगा फ़ेस पे भी ये देखें एक साइड पे नहीं मैंने लगाई है अच्छा ब्रश से आपने लगा के फिंगर की मदद से इसको स्मज भी कर सकते हैं जब आप बेस प्रॉपर्ली हाई कवरेज बेस लगाते हैं ना उसको आप फिंगर की मदद से नहीं ब्रश से ही आप स्मच करें तो ज़्यादा अच्छा होता है अदरवाइज़ आप क्रीम लगा रहे हैं ना तो ये देखें कितनी अच्छा ग्लो आ गया है इस क्रीम में और कितना अच्छा इफ़ेक्ट आया है इसका और अप्लाई करने के बाद आपने ब्यूटी ब्लेंडर लेना है ब्यूटी ब्लेंडर आप लोगों का डैम्प होना चाहिए गीला वेट होना चाहिए बस पानी ना हो इसमें लेकिन ये वेट होना चाहिए इस तरह से उसकी मदद मतलब से हमने हल्के हाथ से ना बिल्कुल लाइट हैंड से आपने इसको ब्लेंड कर देना है अपनी स्किन पे और बिल्कुल ही नेचुरल लगेगी ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने कस्टमाइज़ अपने घर में बेस बना के अप्लाई की हुई है और इसका ये फ़ायदा है इसमें एलोवेरा जल डली हुई है इसमें टी ट्री ऑयल डला हुआ है टी ट्री ऑयल आपकी ऑल ओवर स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बेस्ट है जब आप ऑल डे अपनी स्किन पे ये अप्लाई करेंगे तो आपकी वो स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर होंगे इससे और आपके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा तो मेरी मानेंगे तो ये बेस्ट क्रीम है आप लोग इसको यूज़ करें अपने डेली बेसिस पे और अपनी स्किन का ख्याल भी रखें और अपने आप को थोड़ा सा खूबसूरत और थोड़ा रेडी शेडी रखा करें घर में ठीक है ये देखें जी हमारी अप्लाई होगी अगर आपका बहुत ज़्यादा ऑयल वा एक्सक्रीट होता है आपकी ऑयली स्किन है कॉम्बिनेशन स्किन है कॉम्बिनेशन स्किन के लिए तो नहीं जरूरत होगी अगर आपने ज़्यादा ही अगर आप बाहर जा रहे हैं ऑफिस गोइंग हैं तो आप इस पर थोड़ा सा पैनकेक भी लगा सकते हैं अपने फेस पे आ, आफ्टर अप्लाई दिस आ, जब आप इसको ब्लेंड कर लेंगे उसके बाद ठीक है अदरवाइज़ इट्स ओके आप इस तरह से ये लगाएं काजल लगाएं आईब्रोज बनाएं थोड़ा सा टिंच लगा लें ऑल सेट आप रेडी हैं अपने घर में आप रेडी बैठ सकते हैं आपने बाहर जाना है तो आप बाहर भी जा सकते हैं इसी तरह से आपकी बिल्कुल नेचुरल बेस लगेगी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ अप्लाई किया हुआ अपने फेस पे आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक like लाजमी करना है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना एंड बेल के आइकन को तो प्रेस करना ही करना है और लाइक करना नहीं भूलना लाइक करके ही जाना है आपने ठीक है और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरा व्लॉग चैनल भी है अगर आप लोग व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं और मेरी डेली रूटीन देखना चाहते हैं तो लाजमी मेरे व्लॉग चैनल को भी लाइक करें उसको चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें मेरे व्लॉग चैनल का नेम है हबीबा चौधरी व्लॉग्स तो अभी जाएँ उसको भी सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस देखें एंजॉय करें सी यू न नेक्स्ट वीडियो टेक केयर